हाँ, तो फिर से हम बोल रहे हैं कि आपको आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है ये जानना निहायत जरूरी है। क्षेत्रफल क्या हुआ, एक ही वस्तु का अलग अलग सतह होता है जी, जैसे ईंटा का 6 सतह होता है, कोई भी घनाभ का 6, तो हम लोग अलग अलग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन आयतन का मतलब है कि किसी भी एक वस्तु के द्वारा, यहां हमको अलग अलग सतह से मतलब नहीं है, सतह कुछ भी हो, उसके द्वारा हवा में कितना जगह घेरा जा रहा है। हवा से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं कि कोई वस्तु है, उसको किसी द्रव में, जैसे पानी में डुबा दिया गया। अब पानी में डुबाने के बाद जितना वो डूबा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अगर भरा हुआ है तब, कोई गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा हम अंदर में डालते हैं, पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, तो पत्थर का जितना भी जगह घेरता है उससे पानी विस्थापित हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो जितना जगह कोई वस्तु हवा में घेरता हो, या कोई पानी में घेरता हो, या कोई किसी लिक्विड में घेरता हो, उस जगह को हम लोग आयतन कहते हैं। किसी सतह में अलग अलग सतह होता है तो हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन आयतन पूरे वस्तु का निकलता है। और विभिन्न प्रकार के वस्तु जो एक नियमित आकार का है उसका आयतन का सूत्र अलग अलग होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं घनाभ, घनाभ का आयतन होता है जी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घन, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो घन का आयतन होगा आपको लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई। अरे कुछ आते हैं जो आपका 13.2 में पहला सवाल है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर में शंकु है। ये नीचे अर्धगोला है, हमको ये टोटल का आयतन एक साथ निकालना है। देखते क्या हो जाता है, आयतन एक साथ निकालना है, अर्धगोला का भी और शंकु का भी, इसके द्वारा हवा में कितना स्थान घेरा जाता है। सवाल आपका इस तरह से है, हम एक बार पढ़ देना चाहते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सूत्र है आपका अर्धगोले का आयतन, पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³ प्लस शंकु का आयतन होता है जी 1/3 πr² h। चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/3 πr² को बाहर ले सकते हैं। यहां 1/3 πr को लिए बाहर तो बच गया 2r प्लस 1/3 πr² ले लिए तो बचा यहां h। आगे 1/3 π को नहीं चेंज करना है, त्रिज्या 1 है तो 1 × 1 हो गया, 2 × 1 हो गया, ऊंचाई दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई भी 1 है जी, तो आपका हो गया 1/3 × π गुने एक गुने 2 जोड़ 1। अब 1/3 π 1 से गुना हुआ तो 1 खत्म हो गया, 2 और 1 3 निकला, 3 से 3 को काट दीजिए, उत्तर आ गया आपको पाई घन सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर घात 3। जब भी आयतन लिखेंगे घात 3 लिखेंगे, ठीक है।